हमारे संगे जो छोटे कुंवर हैं इनको नाम सिद्धांत है, स्कूल की ड्रेस में है, जाहिर सी बात है अबे हाल ये स्कूल से चले आ रहे हैं। उत्तरप ओपिस यादव हैं जो इनके चाचा हैं, जो लगातार इनके चाचा के मार्गदर्शन में जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, आड़े आड़े हिर रहे तुम तो यार, अभी हमने कछु कही ही नहीं है। तो कहा है गुरु, सबसे पहले अपने ही बारे में बताओ कि चाचा ने तुम्हें ट्रेनिंग कैसे दी और तुम तैयार कैसे हो गए वीडियो बनावे। सिद्धांत सिद्धांत तो सिद्धांत अभी तक कै रील बना चुके कछु है गिनती पहाड़े जानत 40 तक बनावा। ओ 40 तक वीडियो, 40 ही वीडियो में इन्ने बुंदेलखंड में धुआं उड़ा दो। अच्छा जा कह रहे कड़ा, ठीक है कड़ा तुम लाए रहो। सबसे बढ़िया वीडियो तुम्हें अपनी कौन सी लगी? खुद की वीडियो देखा तो मजा आती है, कौन सी वीडियो में सबसे ज्यादा मजा आओ? सबसे पहली वीडियो बनी थी भाई में मजा। कौन सी बात ना कम ध्यान दो, कहा तो वीडियो में क्या कर रहे थे तुम? स्कूल में बैठे थे। स्कूल में बैठे थे कौन सा था जो पता है अपनो? हमें तो पता है। कौन सा डायलॉग सुनो? क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके, क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके, अलग जाओ तू मेरे गले ठा करके। नहीं एक दा और होता, एक दा अच्छे से बता, एक दा बता दो, बता दो। क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके, क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके, अलग जाओ तू मेरे गले ठा करके। जी भाई सिद्धांत हैं, सिद्धांत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं आजकल। ऑफिस यादव से बात करें, ऑफिस का सीन रहो, शुरुआत कहाँ से होते है, कैसे दिमाग में आई कि अब हम भी जो ही काम करें? तो जयराम जी की जय बुंदेलखंड। तो हम बताएं सबसे पहले अपन वीडियो देखते जो पुराने क्रिएटर हैं जैसे कि सत्य यादव आशीष और हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी ऐसी वीडियो बनाए। तो धीमे धीमे काम करो, धीमे धीमे काम करो, तो इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, 30-40 रीले बन गई लेकिन सपोर्ट ज़रूर नहीं मिलो, हमारी आईडी पे सपोर्ट नहीं मिलो, और जो दूसरे की मतलब कि दूसरे ने डाली हमारी वीडियो वहाँ पे हम ट्रेंडिंग पे चले, हर जगह चल रहा है कि जी कहाँ की हिमोड़ा और हमारा भतीजो कहाँ को है, वो जो आदमी सोच में है पूरा बुंदेलखंड कहाँ के हैं। तो ही के बाद और हम भाई 300-400 फॉलोवर ले बैठी, हमने कहा यार जो तो गलत हो रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, मजाक बोल ले रहे हो। तो ही के बाद फिर संपर्क करे कछु क्रिएटर्स हैं, भाई पैसा में थोड़ा बहुत हमने अपना प्रचार कराओ कि फॉलोवर थोड़ी तो गेन हो गए लोगों तक पहुंचवे, तो हाँ तो हमने अपना प्रचार कराओ। तो भाई होते तो पूरी जनता बैठ गई थी कि इनकी रियल आईडी कौन सी है, हमें इनके रोज वीडियो देखने। तो भाई उनने फिर प्रचार करो, तो पहले दिन लगभग 3000 फॉलोवर आए थे। एक बिहारी उपाध्याय है, उनने हमें रील डाली थी, हमने उनसे कही थी पैसा नहीं में डाली थी, और तो लगभग पहले दिन 3000 फॉलोवर आए थे और व्यू बहुत खतरनाक, और आदमी मैसेज पे मैसेज, और मतलब कि अगर फिर लाइव चलाई मतलब कि 2 दिन में 10000 फॉलोवर हो गए थे, 2 दिन में 10000 फॉलोवर, इतने मतलब कि पहले ही से फेमस थे। फिर हमारे आईडी पे 10000 फॉलोवर आए, बहुत ज्यादा खुशी भाई है, और आज जगह जगह पे हैं, फिर ऐसी शुरू हुई थी। अच्छा पैसा कितने लाए थे? पैसा अपने तनक मतलब रिलेशन थी, मतलब रिश्तेदार के वजह से उनने ऐसे पहली बार उन्होंने लाए थे 400 रुपया, और तब ना तो हम कमाते थे और ना कछु करते, तो फिर भाई जैसे तैसे करके 400 रुपया दे थे। कहता होता है मम्मी पापा से कपड़न के लाने ले रहे हैं, मम्मी पापा से ऐसी बातें कहो तो वे कहेंगे काय को जो का कर रहे होगी, काय की रुपया फूंक रहे, उनसे कहेंगे तो मम्मी पापा हमें छुपा के उन्हें रुपया देती, रुपया दे तो फिर आज मेहनत कामयाब रहेंगे, तो आज जगह पे हैं। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप कुछ छाने तो एक चीज कॉमन है, कंटेंट इज किंग भाई, इसके बारे में हर जगह कही जाता है। हाँ, हर जगह कंटेंट में दम है तो आप कछु भी कर सकते हो, कंटेंट में दम ही नहीं है चाहे जितने फड़फड़ाते रहो कछु नहीं हुए वालों, और लगभग बहुत जने ट्राई भी कराते हैं फेल हो जाते हैं। तो मेन है भाई कंटेंट, कछु दुनिया वालों को सीख दो और कछु अलग करके रखो, सीधी बात जाए। अच्छा हम और चीजन पे भी आए, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में चल रही है, बाजा के ओपिस यादव की जितनी भी वीडियो हमारी टीम ने देखी हमने देखी, जेनुअन है कि बुंदेलखंड के गांव में वाकई जो होते है कि एक कक्का रथ, एक बूढ़े डुकरा रथ, उनको स्वभाव तेज रथ, हर गांव में मिले मिलो वो टाइप के आपको,
उखो आप लोग बहुत अच्छे तरीका से ऑब्जर्व करत और ऑब्जर्व का शुरू से पले ही बड़े उन गलियन में है तो बहुत अच्छे से पतो है वो। उन अम्मा को स्वभाव कैसो है, उन चाची को कैसो स्वभाव है, सबके स्वभाव के वही लेके अपन डाल देतेंगे वही भाई। जैसे कि हम रात में लिखवे बैठा थे तो जय गांव की बातें और बे लेके बढ़िया अपने तरीका से लेकिन डार दो भाई चल लो यार मजा आते तो भाई यार दम है सीधी बात बात में मतलब वीडियो में हमें संतुष्टि तभी होते हमें खुद अच्छा लगा थे कि हाँ ही में दम हैगी तभी यहाँ अपलोड करा थे ना तर फिर वीडियो भाई गैप लग जावे वीडियो भर डर पे नहीं लेकिन फालतू नहीं डारे जहाँ तर अपनों फुल ताकत लगाते हैं अपने। अच्छा जब ऑब्जर्वेशन करत हो तो गांव के बहुत सारे किरदार आते हैं दिमाग में बहुत सारे लोग हैं कि ई जैसो अगर हम दिखा पाए कछु आते हैं और फिर उन्हें उतारने भी है कछु नौ लेके भी देने हैं तो लगी रहते हैं अपने गांव ही को देख के कराते रहते हैं गांव में जो कछु होते हैं अपना मतलब कि बुंदेलखंड को लेके चलाते हैं। अच्छा गांव की चार लोग ऐसे बताओ जिनके बारे में अधिकतर दिमाग में चलत हुई कि इन चाचा की कॉपी करने एक दार। हाँ तो कॉपी करने चार एंटिक लोग गांव के ऐसे नाम तो नहीं ले सका पहले पहली बात अपन खुद टाइम नहीं है बैठे को लेकिन बैठे हैं ऐसी बात नहीं है पहले तो अब जैसे कि चार लोगों में हम बैठ गए अब उनने बातें करी तो भाई हम तो वही चल रहा है मांड में बातें करी तो हमें कहता हूँ बात उनकी अच्छी लग गई भाई वही मांड में फिट कर ली पेन पे चढ़ा लगा दो मतलब पेन पे लिख रही है कॉपी पे ई के बाद भाई वीडियो बना दी अपने हिसाब से चल जाते हैं पसंद भी करते हैं आदमी तो चार लोगों को तो फिर नाव नहीं ले सकते हैं उनका कैसे हैं। अब हाल ही की एक रील देखी हम लोगों ने उसमें नौ देवी के लाने गांव गांव में जो देवी जी बैठा रहा था अपन लोग पंडाल के लाने गांव गांव में घर घर तो चंदा ले भी जाते कछु चटक लोग रहते अपने बुंदेलखंड में चटक जाते वो तुमने इतने टॉप ऑब्जर्व करो उखो के उनकी वीडियो बना के ऐसे चटका लोग भी हैं गांव में बिल्कुल हैं और जई माध्यम से अगर भाई अपने गांव में बीड़नी कही जाते ऑर्केस्ट्रा कही जाते वो के लाने आज भी अगर तुम गांव में चंदा उगा लो या कछु कर लो भाई हमें जो करने हैं यार ऑर्केस्ट्रा मास्टर टेस्टा कराने उगलाने यार पैसा व्यवस्था कम है हाल आदमी ने कार के दे रहे हैं वो तो भाई बात को लेके वाली वीडियो बनाई थी तो भाई सोच के अपन ने लिखवा तो अच्छी खासी चली भी है जैसे कि अब चंदा ले भी आओ तो कछु जने हाँ कल लज्जो अब हमारे पास है नहीं आवे कल पहुंचो आवे है नहीं ठीक है जो अरे माता रख तो लियो पहले दे देंगी तो ऐसे यहाँ रहते हैं भाई ज्यादातर इन चीजन में माहौल ज्यादा रहते हैं आदमी को कार मार्केस्टर की लाने। एक और वीडियो देखी बालक है नवरात्रि चल रही है नवरात्रि में गांव गांव पंडाले लगती हैं कछु लोग आरती पूजा के लाने जाते कछु लोग अपनी आंखें सेक भी के लाने जाते बिल्कुल करेक्ट वो भी ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है। तो भाई हमने आपसे कई कहा है कि हम जो हो रहा हो वही लिख देते हैं वही उतार देते हैं आदमी को मजा आते कि तुम्हें ऐसी बात पता कैसे हैं और कमेंट में भतीजे को लेकर मेन भतीजे को कर देते हैं जा कहते हैं मैं दिमाग है कहाँ से और सो चलते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप हमारे कमेंट उठा के देख लीजिए कमेंट में जहाँ तर भतीजे की तारीफ होते है कि ई के पास एक दिमाग है कहाँ से तो भाई हाँ तपनो है गोवा में हम बात से को आतेंगे वो कहते वो सब लिखाई एडिटिंग वगैरह हर कछु अपनो ही है सब कछु। इसके पहले का प्रोसीजर थोड़ा सा कठिन है जो लोगों को दिख रहा है वो भले ही बहुत ईजी दिख रहा है कि स्क्रीन पे दिख रहा हो सकता है 10 मिनट में वीडियो बना ली हो बहुत सारे लोग सोचते होंगे लेकिन वाकई में किसी को ऑब्जर्व करना और किसी के चरित्र को उतारना फिर उसको लोगों को दिखाना बड़ी मेहनत का काम है वाकई में का काम है। कभी कभी तो एक वीडियो में लगभग 2 और 3 घंटे लग जाते तो फिर एडिटिंग स्क्रिप्ट मतलब कि 24 घंटा व्यस्त ही रहते हम तो बस सो वही वो है जो कछु है बाकी नहीं मैं उलझी। अच्छा कंटेंट क्रिएटर की रात कैसी हो दिन के बारे में तो बहुत लोगों को दिखाई देती रात के उनके दिमाग में का चलत रात में जो ही है वो भाई मेन बात जाए हमें कल आदमी को हंसाने है हंसावे के लाने एक टेंशन है टेंशन है तो भाई जगने हैं तो इतना होता है बातें ढूंढने और लिखने हैं और जब हम लिख लेते हैं वीडियो कल के लाने वीडियो है तब हमें संतुष्टि होती है और जब जाकर सुनते ऐसी रहते रात। इनकी उम्र कितनी है? उम्र है 6 साल।
अब 6 साल तोते ही समझ लो, पूरा रटाने हैं, रटाने भी और एक्सप्रेशन भी करवाने हैं। बिल्कुल, इसमें कितनी चुनौती है, बाकी में कितनी चुनौती? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब कि बार बार एंगल ले वो, बार बार शॉट ले वो। भाई मेन बात जो है, बच्चा है अभी तो लगातार बात नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन पता चलो कि एक वीडियो में बार बार एंगल नहीं लेने, एक ही वीडियो लेके चल रहे हैं लगभग लगभग 30-35 सेकंड में, 30-35 सेकंड में कौन कौन बातें ऐसी आ जाते हैं कि नहीं बोल पाते बच्चा। तो भाई कम से कम रिहर्सल कराने आध घंटा तो मान ही लू, भाई एक शॉट खिलाने तो हमें ई टाइम में ज्यादा टाइम लगा थे तो भाई खिलाने पहुंच रहे हैं, मेहनत करते हैं तो फिर उड़ान अच्छी खासी लाए हैं। कुल मिला के नेचुरल जो चीज है वही चलती है, और समय टू समय तुम कहो के भाई नवरात्रि अभी चल रही, नवरात्रि के बाद वीडियो ले आओ, कहाँ से चल जाए जो भी है भाई। अगर आप करंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए, बुंदेलखंड में काम कर रहे हो तो समय टू समय करो, जैसे चैत आओ तो फिर फसल को होनी चाहिए, जैसे करवा चौथ आ रही तो अब ऐसे में वीडियो लग गए, अब ऐसे में वीडियो लग गए हैं दो तीन, और जैसे कि दशहरा आ रहा हो बाकी लाने भी लग गए हैं, अब दो तीन दिन बाद दशहरा के निकल लगे वीडियो, जैसे अब हाल बाकी चल रहे थे नवरात्रि के, अगर समय टू समय करो तो चलेंगे। अच्छा करवा चौथ को क्या ऑब्जर्वेशन है लोगों को? वो अभी नहीं बता सकते लेकिन वो अभी कहाँ से बता दें, जैसे ऑब्जर्वेशन तो दो चार होंगे, एक आध बता दो हैं का देखत का है, देखो उतारने आपको है चरित, मैं तो आप कहानी बता सकते, कहानी बता सकते जो चल रहा हो, हाँ खर्चा ऐसे खर्चा चल रहा है करवा चौथ पे, औरतें खर्चा करवाते बहुत ज्यादा, हमारे लाने जोली ताज्जू बैले ताज्जू भाई क्यों कर है वो, और भी देखे हैं और उनके हस्बैंड को का रिएक्शन रहते पति देवता को, बेबी हैंगे बेबी लेके हैंगे, और अबे हमें आपके आवे के पहले एक वीडियो याद आई थी, बाबे हमें लिखने हैं, बाबे हमने लिखी नहीं है, तो सीधी बात हमारे माइंड में दिन और रात यही चलाते रहते वो। ऑफिस को ब्याह होगा? नहीं अभी नहीं हुआ है। भाभी? भाभी मतलब कि सिद्धांत की मम्मी, ऐसे ही भाभी? हाँ शायद, हाँ भाभी हैं बहुत सारी हैं, बहुत बड़ा परिवार है जी, हमारे चाचा हैं और हमारे पापा 5 भैया हैं। अच्छा जैसे करवा चौथ की वीडियो बनाने तो भाभी से पूछ ले के, भाभी कौन टाइप की डिमांड रत भैया से, क्या भैया से पूछ ले? अपन ने काहे अपन केवल ऑब्जर्व करत है, एतिक तो पता ही रहते है का होते करवा चौथ को, कैसी पूजा होते है और का का मंगाउत है, तो बाकी लाने पिछली बार भी आप उठा के देख सका तो सबसे अलग, बिल्कुल सबसे अलग आते हैं जो आते हैं वो सबसे अलग आते हैं, तो पिछली बार भी अच्छी खतरनाक आई थी अपनी वीडियो करवा चौथ के ऊपर, तो समय टू समय ले आते रहते हैं अपनी वीडियो। अच्छा एक तरफ ऑब्जर्वेशन है आपको हर तीज त्योहार यार बुंदेलखंड के जितने भी घटनाक्रम हुए किसान से जुड़ी भाई चीज़ें, दूसरी तरफ यही बुंदेलखंड में कछु लोग रीच पावे के लाने, फॉलोविंग पावे के लाने बहुत उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है, आपको याद हुई है बुंदेली वार्ता ने एक मुद्दा उठाओ, लगातार वीडियो डाली तो दो दो रीलबाज जो हैं उन पर कार्रवाई करी झांसी पुलिस ने। देखो ऐसे अगर आप गलत करोगे तो आज नहीं कल गिरोगे, नीचे गिरोगे, भला तुम हाल क्या उड़ान भर लो, बेकाएंगे ना भाई रोस्ट की, आप रोस्ट के बारे में बात कर रहे हो जो झांसी में अभी भाव है, बाकी बारे में बात कर रहे हैं तो भाई उन्हें गलत करो है, गरीबन के संग गलत करो है वो, पता चलो अगर तुम दादाजी प्रैंक कर रहे हैं कैमरा होता चल रहा उन्हें पता ही नहीं है कछु, दादाजी प्रसाद ले लो प्रसाद, अरे आगे आ जाओ तो ना कहा सुनने भाई प्रसाद लो पिछाई से एक मोड़ आओ चप्पल लेके चलो, अब तुमने तो भाई दिल देख ली है मजा ले लो है वो, लेकिन बात से पूछो वो तो गरीब है, दम हो तो अमीरन के संग करके दिखाओ जो, जब पता पाए तो उन्हें सजा मिल रही है, वह हैंगे जेल में होंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गई कि ऐसी वीडियो नहीं बनाना, नहीं बनाने। देखो सुधार बहुत, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उनमें समय पे सुधार कर लो जब बहुत अच्छी बात है, तो। बहुत सारे रील बनाने वाले सुधार भी कर रहे, लेकिन ऑफिस से याद आओ और बुंदेलखंड के तमाम क्रिएटर ये उदाहरण है कि आप अच्छी वीडियो बना के भी रील और फॉलोविंग रीच गेन कर सकत हो अपनी, आप मतलब कि अगर बुंदेलखंड में काम करत हो तो भाई दिन और रात बाकी लाने टाइम देने है और कछु अलग वही टैलेंट को आए कछु अलग देने भाई, अब ऐसा नहीं है का वो उतार दो एको वो नहीं फिर आगे नहीं बढ़ पे होगी, हम अगर आप भाई काम करबो चाहो तो भाई कछु आपको अलग देने आए और तुम अलग देखो आदमी दूर से आपको पहचान लेंगे, अगर अलग करो तो आदमी पहचान ही लेंगे, तो आजकल आदमी इनको अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है। अच्छा बहुत सारे लोग पूछे थे कि पहले एक और भतीजो हो तो गुल्लू, हाँ अब सिद्धांत आ गए, गुल्लू का चले गए, तो पारिवारिक कछु बातें हो जाते हैं ऐसी जो कि उन्हें लगत के ये बढ़ रहे हैं, हमें
हमारे मोड़ा से कापा तो हमारे मोड़ा है सब कुछ रहा हुई खास करके बेबी घर ही के थे घर ही के हैं सॉरी तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मतलब कि उन्हें रोको है वो तो फिर हमने उनसे कही नहीं है कछू ठीक है भाई तुम्हारा मोड़ा है क्या करने के बाद आज आठ महीना हो गए हैं जी हैंगे इन्हें फुल ट्रेंड कर दो है और हम तो भाई मास्टर हैं काउ को ही पढ़ा सकते हैं बट बच्चा में बोलवे की क्षमता हो चाहिए तो और बच्चा की हर काउ आवाज़ पसंद आते हैं जो है सीधी तो उन्हें नहीं है करवाने तो नहीं कर रहे हैं उनके संग काम। अब गुल्लू छोड़ो एक जने और बहन जी हैं छोटी सी मासूम बिटिया वो इनके संग काम कराते हैं तो बेहेंगी दिल्ली की जो कि उनका नाम है चित्रांशी पांचाल तो उनके पापा बोले कि ऑफिस हमारे मतलब रील बनाते हुए ऐसी रील गाना वाली ऑफिस हम कैसे बढ़ेंगे हमने कि भाई साहब मेहनत करते रहो और जहाँ तरह ले आ पाओ तो कछु अलग लेता हूँ हम तो भाई सबसे कह रहे थे जी तो वे कहते हाँ ले आए हैं अलग तो रील बनाते रहे तो उनके कछु फॉलोवर नहीं आते ऐसे ही 7-8 हज़ार फॉलोवर आती वही के बाद हमारे हम खेत पर घूमने गए थे तो बैठे आती हम तो हमने कई कॉलिंग वाली एक माइंड में आई रील मतलब वीडियो तो हमने कही जा वीडियो जब गुल्लू हते गुल्लू ही बनाते वीडियो तो हमने कही जा वीडियो हम ना बना के हमारे भतीजे बनाए बहुत जाना चल जाएगी वो अपनी बुंदेलखंडी भाषा में तो फिर हमने हाल के चित्रांश के पापा को फोन लगाओ हमने कही भाई साहब शॉर्ट चाहने थे कछू कैसे हमने कही चित्रांशी खो गुल्लू के वीडियो में बोले कैसी बातें कर रहे बोले कब है कल आज हम मतलब माइंड में आई है थी ओनली हमने कल हम वीडियो लिख ले हैं कल हम तुम्हें शॉर्ट दें भाई उन्हें हमने शॉर्ट दिया हमने कही सीधी बात हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हमने कही सीधी बात जादू होए वालों है बोले ठीक है देखा थे भाई रील हमने डाली तो भाई सुबह रहे लगभग लगभग 6-7-8 मिलियन पहुंची और भाई रील उन्होंने डाली अपने अकाउंट पे उनके इकट्ठे फॉलोवर सीधी बात सुबह 5,000 बड़ी और उनकी मिलियन पहुंची काफी आदमी ने पसंद करो है तो जब से लेके आज तक उनके संग भी काम चल रहा है मतलब कि कोनो कोनो दो चार वीडियो में एक आध उनकी बन जाते हैं पूरा काम फोन पे फोन पे यहाँ से आपने स्टोरी यहाँ से हमने शॉर्ट लिखे उन्हें भेजे और बता दी साइड में बनाने कैसे में बनाने उनने ऐसे व्हाट्सएप से भेजी कहते हमने एडिटिंग करी कैमरा एंगल भी फोन ही से बताए सब हाँ सब फोन ही से बता देते हैं अब तो उन्हें आइडिया हुआ है पहले हालांकि थोड़े बहुत परेशान हुए हैं अब तो थोड़े बहुत मतलब कि आइडिया हुआ है तो जब पूरी कहानी उनसे मुलाकात की हाँ मुलाकात की है आज चल भी रहे हैं उनके भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं लगभग लगभग 5 लाख के समथिंग उनके हो गए 5 लाख भी अब ऑफिस यादव के परिवार के बारे में थोड़ो सो का स्थिति है परिवार की परिवार में कोको है परिवार में अपने भाई हमारे पापा 5 भैया हैं और सब हैं मतलब सबके अलग अलग मतलब अलग अलग हैं हम लोग अलग अलग रीत हैं और भाई अपनों अपनों कर रहे हैंगे और बस जो ही है मतलब कि पापा मम्मी ने पहले रोक भी करी है घर वाले ने रोक करी है कि भाई जो क्या कर रहे हो तुम तो फिर ही के बाद जब कामयाबी मिली हम नहीं माने हैं कामयाबी मिली तो फिर राजा जगाते हैं रोक टोक होती खूब बहुत ज़्यादा रोक टोक भाई है गांव के ने भी बहुत ज़्यादा चढ़ाव है कहते नहीं है अगर हम पहली बार मौके नहीं कह पाते पीठ पीछे बैठ जाओ पीठ पीछे बातें करते हैं क्या कर रहे हैं बिना फालतू में आज भी तारीफ करते हैं और इतने मिल गए इनकी लाइन लगी रहते हैं तो भाई गांव भाई बताते हैं कि ऑफिस की तो चले जाओ भाई वो तय कर हमारा तो आप आए हो इतने अंदर रहेगा घर तो भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे चले जाओ तो उन्हें आज अच्छो भी लगा था अच्छा लगा था चाहे बुरा लगा था जो है पता नहीं ठीक है कुछ ही नहीं आए लेकिन ठीक है आपका छू नहीं कहते आपका छू नहीं कहते हैंगे हालांकि सब हमारे तो सुन भी हमारे मतलब आगे तो तारीफ ही मिला था अपन अपन ने वो करके दिखाओ है नहीं बढ़िया है लोग उनको लगा था शुरुआत में कि ऐसा नहीं गलत दिशा भटक जाए लेकिन बाद में ठीक है और पापा मम्मी भी भाई किलाने रुकते हैं कि हम मोड़ा कछु गलत ना कर तो उनको भी रोक वो सही रहते हैं वो बाकी अगर आप अपन को अपने ऊपर विश्वास है तो भाई मेहनत करो और अगर जो काम कर रहे हो तो करते ही रहो और इसमें भी दिमाग लगाते रहो अगर आप कोई करवो चाह रहे हो तो ऑफिस की पढ़ाई लिखाई की कैसी स्थिति है और इसके अलावा कछु काम करो के करवे की इच्छा थी रील नहीं बनाते तो फिर क्या करते देखो अपनी इंटर हो गई थी और आज से 3 साल पहले से इंटर ही भई थी और इसके बाद हम वीडियो में बीत गए वीडियो में थोड़ी सी कामयाबी मिली तो फिर हमने आगे पढ़ाई की नहीं सोची कि आगे हम पढ़ाई करें तो के बाद पढ़ाई वगैरह तो कछु करी नहीं है इंटर के बाद कोई पढ़ाई नहीं है और
लेकिन फिर भी अब की बार ग्रेजुएशन में रेगुलर नहीं तो अपने हाँ, घर वाली हाँ, एक कर लियो जरूर हाँ, कर, डाल दी हाँ, नहीं, नहीं, सोचे हैं कर, समय निकाल के कर लेंगे हाँ, कितों ना कितों काम में आज काम में आज तो जा तो हती पढ़ाई लिखाई की बात आगे की का प्रक्रिया है तन तक पहुंच गए 7 लाख तक कहाँ तक जावे की मंशा है और क्या करवे की मंशा है आगे की ऐसा है भाई अगर ऐसे प्यार मिलो तो बहुत बहुत लंबा सोचे हैं कि भाई जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मान लो और अपनी मतलब बुंदेलखंड सबसे पीछे हैं वो पीछे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई मूवी बनवे और थिएटर में भी आवे अभी तक तो हमने यूट्यूब पे देखी हुई हाँ। हम तो जो चाहते हैं कि थिएटर में भी आवे तो जाके लाने हम नहीं कई लोग काम भी कर रहे हैं और हम भी भाई दिन रात लगे हैं ताकि बहुत कछु सोचो भी है वो अब भाई कितने तक पहुंचा था जो नसीब ले जाएगा और हमारी मेहनत रह जाएगी इनके लाने का कछु है इनके लाने मेन अपने लाने जाइए हाँ। मेन सीधी बात जो हैंगे मतलब कि हम तो एक तरह के बैक मतलब पीछे के हैंगे कि इनके ऊपर हाथ हैंगे जो कछु बनाने नहीं को बनाने हैं मतलब कि जो हीरो तरह का को बने वो जो सोचो है वो इन्हें बनाने हैं देते हैं खर्चा पानी रील बनवाते रहते दिन भर तुमसे सही बताओ ईमानदारी से अरे डरा रहे चाचा से डराऊ तो अरे डराऊ तो पूरे गांव कह रहा तो डराऊ थे आँखा ना में डरा दे हैं नहीं मांग पाते पैसा मांग ले देते हैं अब तक कितने के दाए हमने डेली मांगत और डेली देते हैं कछु और देते दादी देती बहुत बढ़िया